बेसिकली जेल तो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन कुछ हमारी घर की बहू ने इल्जामात कुछ ऐसे लगा दिए हैं जिसके तहत सिर्फ कंप्लेन पर ही पुलिस हिरासत में ले सकती है। तो महिला उत्पीड़न का जो आरोप होता है वो लगाया गया है, तो फिलहाल लॉकअप में है। अब इंतजार कर रहे हैं, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, और उसके पहले जो थोड़े बहुत सबूत कुहू को वीडियो के तौर पर मिले हैं वो कानूनी रूप से मान्य नहीं है, क्योंकि वो प्रथम दृष्टि साक्ष्य हो सकते थे, पर उसमें भी त्रुटि है कि एक में ऑडियो एक में वीडियो है। तो फिलहाल तो हमें 24 घंटे का इंतजार करना है मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने का। इस बीच जो दूसरा पक्ष है जिन्होंने सारे खेल खेले हैं, हो सकता है वहां से कोई ऐसी कार्यवाही हो जिसकी बदौलत हमको राहत मिले। वो फोन ऐसे है कि जो हंसनी और जयंत उन दोनों के बीच में साजिश का जो बुनियाद रखी गई है उनकी वार्तालाप और उनका घटनाक्रम अवधेश और कुहू ने रिकॉर्ड किया है, पर चूंकि मैं रिटायर्ड जज हूं तो मैं जानता हूं कि ये प्रथम दृष्टया साक्ष्य भी नहीं माने जा सकते। हालांकि प्रथम दृष्टया साक्ष्य माने जाते और बेल में सपोर्ट करते, पर दिक्कत ये है कि उसमें एक फोन में ऑडियो है एक में वीडियो है, और ये चीजें अदालत में तब तक मायने नहीं रखती जब तक इनकी फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आ जाती। तो नियमानुसार ये भी राहत होते हुए भी कोई राहत नहीं है। ऑडियंस हम ये कहना चाहेंगे कि अब तक जितना भी प्यार और इज्जत आप लोगों ने हौसला अफजाई हमारी की है आगे भी बरकरार रखें, और हम आपको यकीन दिलाते हैं, आपसे वादा करते हैं, जितनी ईमानदारी और शिद्दत से हम लोगों ने अभी तक अपना काम किया है आगे हमारी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए आपके प्रति और भी ज्यादा शिद्दत और ईमानदारी से काम करेंगे और आपकी अपेक्षाओं पे खरे उतरेंगे, ऐसा पूरा विश्वास है, यकीन है। पर आप भी अपना प्यार और दुलार हमारे प्रति ऐसे ही बनाए रखें।